खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को विस्तार और गहराई से जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, राजनीतिक चुनावी मंथन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बाड़मेर जिले में लोकसभा क्षेत्र से पंकज चौधरी का बयान है कि बाड़मेर जिले में लोकसभा चुनाव करे होंगे रद्द और वो लड़ेंगे चुनाव। देखिए, जैसा कि बाड़मेर में मेरा आना हुआ है, बाड़मेर आने के पीछे सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ रहा था और यहाँ से मैं मेरी जो नामांकन प्रक्रिया जिस प्रकार से खारिज की गई जो है वो गलत तरीके से खारिज की गई, और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद इलेक्शन पटिशन पढ़ने पे मुझे न्याय मिलेगा और मैं दोबारा जो है बाड़मेर लोकसभा से मैं प्रत्याशी हूँगा जो है। और साथ में आज जो मैं आपके बीच रूबरू हो रहा हूँ उसके पीछे सबसे जो इम्पोर्टेंट है, आज जिस प्रकार से मेरे पास मेरा मन भी व्यथित हो रहा है, जिस प्रकार बनारस से एक फौजी जो है जो बसपा और सपा का कैंडिडेट जिसको नियुक्त किया गया था और जिनके लिए आज साजिश कह लीजिए, जिनके लिए दबाव कह लीजिए, जिस प्रकार से एक फौजी को, एक किसान के बेटे को चुनाव लड़ने से दूर किया गया, वो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मैं कुछ समय से सोच रहा था कि देश में तानाशाही नाम की कोई चीज़ घूम रही है जो है। और मैंने पुलिस अधिकारी होने के नाते मैंने अपने नौकरी में महसूस किया कि कहीं ना कहीं एक ऐसा दबाव जो है पुलिस के अधिकारियों पे लोगों के ऊपर बनाया जा रहा है जो देश के लिए हितकारी नहीं है, जो लोकतंत्र के लिए हितकारी नहीं है। पुलिस से जब मैं बर्खास्त हुआ तो मैंने ये देखा कि एक ऐसी महिला राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री जो एक IPS अधिकारी जो दबंगा तक से काम करना चाहता है, निर्भीकता से काम करना चाहता है, उसके पीछे पड़ जाती है और वो दिल्ली जाके जो है राजनाथ सिंह से मिलती है, DOPT मिनिस्ट्री मिलती है और पंकज चौधरी कहती है कि पंकज चौधरी को किसी भी तरह से उसको नौकरी से बाहर निकालो। जो 90% जो पंकज चौधरी को बर्खास्त करने की जो प्रक्रिया थी वो वसुंधरा राजे की मन की एक खुरापात है, और वसुंधरा राजे को भी पता था ये कि पंकज चौधरी को हम बर्खास्त तो करवा देंगे, अपनी खुन्नस तो मैं निकाल ले जाऊंगी, लेकिन पंकज चौधरी वापस वर्दी में आएगा। कि पंकज चौधरी जो किसी राजशाही परिवार से नहीं है, पंकज चौधरी एक गरीब परिवार से बना हुआ IPS है और बहुत मेहनत के साथ उसने अपनी IPS की वर्दी को पकड़ा है। तो ऐसी तमाम वसुंधरा राजे आएंगी और तमाम ऐसी राजशाही आएगी, पंकज चौधरी को दिखा नहीं पाएगा। रही बात तो मेरी बर्खास्ती की, मेरी बर्खास्ती की बात मैं बार बार इसलिए ला रहा हूँ कि मामला चूंकि अलग में कोर्ट में इसको मैंने डाल रखा है और वो मुझे न्याय मिलेगा। मैं खाकी से खादी आया हूँ और खादी से मैं फिर खाकी में जाऊँगा जो है, ये देश के इतिहास में पहली बार होगा। मैं जो आपकी बनारस की बात करना चाहता हूँ, मैं इसलिए आ रहा हूँ कि एक फौजी जो बनारस से तेज बहादुर नाम का फौजी जो सपा बसपा के टिकट पे कैंडिडेट था, उसका जब ये नामांकन रद्द हुआ तो मुझे ये फील हुआ कि पंकज चौधरी जब अपने नामांकन को लेकर 1 अप्रैल को जब निर्वाचन आयोग दिल्ली प्रत्याशी खुद जा रहा है और 10 दिन तक निर्वाचन आयोग सर्टिफिकेट इशू नहीं कर पा रहा है, इसके बाद हाईकोर्ट जब इंटरवीन करता है उसके बाद वो घंटे भर के अंदर सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं, जिसका मतलब कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश है। उस साजिश में हम लोगों ने कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग को, भारत सरकार को, राज्य सरकार को हमने पार्टी बनाया जो है, ये प्रक्रिया अलग ही चल रही है। और इसमें साथ साथ हमने सचिव निर्वाचन आयोग को, भारत सरकार के अधिकारियों को, राज्य सरकार के अधिकारियों को हमने तत्काल सस्पेंड करने की बात की है कि इनकी अगर साजिश है तो इनको सस्पेंड किया जाए, इनको नौकरी से बाहर किया जाए। इसके अलावा जो भी जनप्रतिनिधि इसमें शामिल है, जिसकी भी खुरापात है, चाहे वो राज्य सरकार कांग्रेस की हो, चाहे राज्य सरकार बसपा की हो, चाहे वो भारत सरकार की सरकार हो, किसी भी जनप्रतिनिधि ने कोई इनपुट दिया हो कि पंकज चौधरी को चुनाव नहीं लड़ने देना, उसकी जाँच होनी चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ना सिर्फ अधिकारियों के खिलाफ बल्कि जनप्रतिनिधि। और मैं बनारस वाले मामले में मुझे पहली बार बोलना पड़ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कि मोदी साहब, एक जवान आपके सामने खड़ा हुआ था जो है, एक अधिकारी का नामांकन रद्द हो गया, चलो वो राजस्थान की बात थी, बाड़मेर की बात थी, रही चली बात चली गई, हाईकोर्ट मामला चला गया, मामला दोबारा हाईकोर्ट उसको संज्ञान ले रहा है और ये दोबारा चुनाव हो जाएगा, हम लड़ लेंगे। लेकिन एक फौजी जब लड़ता है बनारस से, तो एक बड़ा दिल लगते हुए कम से कम अगर उसके सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ था तो घंटे दो घंटे का कोई दिक्कत नहीं, एक दो दिन का समय दिया जा सकता था, उसको लड़ने का मौका देते, उसको लोकतंत्र में उसको अपने लोकतांत्रिक मूल्यों का उपयोग करने देते। लेकिन जिस प्रकार से एक फौजी का, जिस प्रकार से उसका नामांकन रद्द हुआ है, ये मैं तो ये हताशा भी है और मैं आश्चर्य कर रहा हूँ कि जहाँ इस देश में जिनके 50-50 मुकदमे हैं, जिनके 100-100 मुकदमे हैं, जो हिस्ट्री शीटर्स हैं, बदमाश हैं, वो जेलों में रह के चुनाव लड़ रहे हैं,
और जहाँ पे एक जवान जो चुनाव लड़ने जा रहा है तो उसके ऊपर बंदिशें लगाई जा रही हैं। जो एक अधिकारी, एक आईपीएस अधिकारी, जब वो चुनाव लड़ने के लिए एक सरहद के किसी जिले में, सरहद के किसी एक क्षेत्र से लोकसभा सीट से लड़ने आता है तो उसके उसको रोकने का प्रयास किया जाता है। तो ये बहुत सी बातें साजिश का, साजिश के दौर को बताती हैं कि साजिशें कितनी बड़ी लेवल पर हो रही हैं। और अगर यही चलता रहा तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में शायद कुछ इस तरह का ये अधिनियम पारित कर देंगे कि देश का कोई भी जवान, देश का कोई भी अधिकारी, देश का कोई भी कर्मचारी चुनाव नहीं लड़ पाएगा। जो तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज की जो घटना हुई है उससे मैं मर्माहत भी हूँ। और मैं आपके सामने इसीलिए रूबरू हो रहा हूँ कि मैं पंकज चौधरी, एक आईपीएस अधिकारी, मैं कोर्ट में लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं पुनः बाड़मेर आऊँगा, बाड़मेर में चुनाव निरस्त कराऊँगा और इस चुनाव को मैं दोबारा करा के यहाँ से मैं विजयी हूँगा। जो बाड़मेर के लिए मैं कहूँगा कि मैं ऑलरेडी हाईकोर्ट में मामला हमारा विचाराधीन है, सारे लीगल पहलुओं पर लगातार नोटिसेज इश्यूज हो रहे हैं चुनाव आयोग को, राज्य सरकार को, भारत सरकार को। उन्होंने एक भी नोटिस का अभी तक जवाब नहीं दिया, क्योंकि नोटिस का जवाब वो तब दे पाएंगे जब वो कुछ कहने की स्थिति में गए। उनको पता है कि लापरवाही की गई है, उनको पता है कि राजनीतिक दबाव में पंकज चौधरी को चुनाव लड़ने नहीं दिया जाए। इन सारी चीज़ों को देखते हुए वो कहीं ना कहीं भ्रमित हैं, डरे हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से मेरा अधिकार मेरा रुका गया है, जिस प्रकार से मेरे लोकतंत्र के एक एक भूमिका का निर्वहन करने से रुका गया है, उस निर्वहन को ज़्यादा समय नहीं रुक पाएंगे। जैसे ही इलेक्शन 23 मई को खत्म होगा, एक इलेक्शन पटिशन के माध्यम से हम लगातार इनको घेरे हुए हैं। और हम तो ये भी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को भी सस्पेंड किया जाना चाहिए कि इतने समय बीतने के बाद भी जब आप नोटिस इशू कर रहे हो, जब आप सर्टिफिकेट इशू कर रहे हो, तो आपने अभी तक जाँच क्यों नहीं कराई। हमने 22 अप्रैल को हमने डिमांड की थी कि जो भी अधिकारी इसमें शामिल है उनको तत्काल सस्पेंड किया जाए। आज